Hello students, today I will explain to you the first chapter of standard 6 of history, when, where and how. This chapter is of history. It means in this chapter we will learn about that, when did our life begin, where, from where our life start and how did our life change. यानी कि history के इस chapter में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी life कब शुरू हुई, हमारी society कब शुरू हुई, where, कहाँ से शुरुआत हुई and how did our life change और हमारी life कैसे change हुई, right? History में इन चीजों के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे. Now next one is what is history. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि history है क्या. What is the meaning of the history? The term history comes from the Greek word historia, which means learning from of mind by inquiry. It means history is the story of human society which began in the earliest past. History word जो है वो यूनान के शब्द historia से बना है, जिसका मतलब है कि learning of known by inquiry, यानी कि जांच पड़ताल करके खोज करने के बाद जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको इतिहास कहा जाता है, history कहा जाता है. It means history is the story of human society which began the earliest past. यानी कि history हमारे मानवीय समाज का वो इतिहास है जिसकी निर्माण, जिसका स्थापना बहुत साल पहले हो चुकी है. History is a such knowledge that we get from the study of past. इतिहास, history वो ज्ञान है जो हमें हमारा past पढ़कर, past जानकर प्राप्त होता है. The people who describe their past are known as historians. और जो लोग history को explain करते हैं, हमें historical events के बारे में बताते हैं, उन लोगों को historians कहा जाता है. Next one, why should we study history? हमें इतिहास पढ़ने की, history पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें history क्यों पढ़नी चाहिए? American author John Michael Crichton said that if you do not know the history, it means you do not know anything. अमेरिका के लेखक हैं जॉन माइकल क्रिटन, जिन्होंने कहा है कि अगर आपने अपने इतिहास को नहीं जाना तो इट मीन्स आपने कुछ भी नहीं जाना. सो हिस्ट्री टीचेस अस अबाउट अवर पास्ट एंड द स्टडी ऑफ पास्ट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट. हिस्ट्री जो है वो हमारे पास यानी कि बीते हुए समय का अध्ययन है, हमें बीते हुए समय के बारे में ज्ञान देती है और अपने बीते हुए समय का ज्ञान हासिल करके ही हम अपने प्रेजेंट आज में अच्छे तरीके से जी सकते हैं. टू नो एंड फुली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, वी हैव टू अवेयर ऑफ इट्स पास्ट. जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस संसार में हम जी रहे हैं, उसको अच्छी तरह से जानने के लिए हमें हमारे उस संसार के पास्ट को जानना, उस सोसाइटी के बीते हुए समय को जानना भी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट वन इज डेट्स इन हिस्ट्री. स्टूडेंट्स, कोई भी इवेंट जो हम पास्ट का कोई भी इवेंट हम रिकॉल करते हैं, यानी कि किसी भी बीते हुए घटना के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर डेट के रिगार्डिंग ही बात करते हैं. यानी कि अगर हमें किसी इवेंट की कोई जानकारी लेनी है तो हम उस पहले सबसे पहले ये सोचते हैं कि वो इवेंट, वो घटना कब हुई थी. वेन, कब हुई थी मीन्स डेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम डेट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू सेड दैट आवर इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स आफ्टर 200 ईयर्स. हम कहते हैं कि हमारे इंडिया ने अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी हासिल की थी. वेन, कब? 15 अगस्त 1947. एंड 15 अगस्त 1947 इज अ डेट. सो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री. डेट्स डिस्क्राइब द ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ द हिस्ट्री. द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज डिवाइडेड पॉइंट फ्रॉम व्हिच वी काउंट द डेट्स. जीसस क्राइस्ट के जन्म से ही हम डेट्स, तारीखों को गिनना, काउंट करना शुरू कर देते हैं. डेट्स इन हिस्ट्री आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, बीसी एंड एडी. एन इवेंट हैपेंड 20 इयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी राइट इट एज 20 बीसी बिफोर क्राइस्ट. यानी कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ से पहले 20 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 20 साल पहले जो इवेंट्स, जो घटनाएं हुई हैं उनको बीसी की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट. एंड एडी, एन इवेंट हैपेंड 20 इयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, वी राइट इट एज 20 एडी. और जो इवेंट्स, जो घटनाएं हमारे इतिहास में जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 20 इयर्स बाद हुई हैं उनको हम 20 एडी यानी कि 20 एनो डोमिनी, बिफोर एनो डोमिनी यानी कि ईयर ऑफ द लॉर्ड के नाम से लिखा जाता है. स्टार्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. यानी कि हिस्ट्री को कितने टाइम फ्रेम में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, सेकंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री, थर्ड वन इज
नहीं मिलता, यानी कि लिखती जानकारी नहीं मिलती। Our knowledge of this period is entirely based on the archaeology. इस टाइम के रिगार्डिंग जितनी भी हमारी नॉलेज है, जितना भी हमारा ज्ञान है, वो सारे पूरा ज्ञान आर्कियोलॉजिकल बेसिस यानी कि पुराने स्रोत के ऊपर आधारित है। यानी कि इस टाइम के बारे में हमें रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता, इस टाइम के बारे में जो हमें चीज़ें मिलती हैं जैसे कि पॉट्स, ज्वेलरी, उससे हमें इस टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है। यानी कि हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड जिसके बारे में रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल है, उनको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड ऑफ विच रिटन रिकॉर्ड्स, हाउएवर दे आर वेरी फ्यू एंड स्टिल कैन नॉट बी रीड। प्रोटो हिस्ट्री वो है जिसके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल तो है, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ठीक है, स्पष्ट नहीं है। इस पीरियड के बारे में भी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्ट्री रेफर्स टू द टाइम पीरियड फॉर विच वी हैव सफिशिएंट रिटन रिकॉर्ड फ्रॉम दिस पीरियड। तो हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में हमें सफिशिएंट संतुष्टिजनक रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है, मतलब पूरी तरह से हर जानकारी रिटन फॉर्म में अवेलेबल होती है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वो कौन से सोर्सेज है जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। मेनली टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मीन्स द सोर्सेज दैट आर इन रिटन फॉर्म, जबकि वो इतिहास के वो स्रोत जो हमें लिखती हुई जानकारी में मिलते हैं, लिखी हुई जानकारी देते हैं, उनको लिटरेरी सोर्सेज कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द मेन्स ऑफ द पास्ट, सच एज द पोएट्री, टूल्स, कॉइंस, वेपन्स एटसेट्रा। एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो है जो कि हमें चीज़ें हैं, वो सामान हैं, वो टूल्स हैं, वो हथियार हैं जिनसे हमें उस पास्ट टाइम की सोसाइटी, उस पास्ट टाइम के लोगों के कल्चर, उनका लाइफस्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। Literary sources आगे two types में divide होते हैं। First one is religious literature, second one is secular literature. Religious literature means वो literature, वो हमारा written form जो कि किसी particular religion से belong है। For example, महाभारत, गीता, रामायण, ये हमें हिंदू कल्चर के बारे में नॉलेज देते हैं। उसके बाद पितापा, जो हमें बुद्ध धर्म के बारे में नॉलेज देते हैं। अंगस, जो हमें जैन धर्म के बारे में नॉलेज देते हैं। यानी कि ये वो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें पर्टिकुलर रिलीजन के रिगार्डिंग नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। सेकुलर लिटरेचर वो होते हैं जो हमें सोसाइटी के सिस्टम, सोसाइटी के कल्चर के बारे में बताते हैं, बट पर्टिकुलर किसी रिलीजन के बारे में नहीं बताते, राइट, ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग नहीं है। सो लास्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से हैं, उनमें बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इंस्क्रिप्शन, सेकंड वन कॉइंस एंड थर्ड वन मॉन्यूमेंट्स। इंस्क्रिप्शंस होते हैं शिलालेख, यानी कि पिलर्स, वॉल्स, मेटल प्लेट्स, तांबे की प्लेट्स, दीवारों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर जो रिटन फॉर्म में हमें लिखित रूप में जानकारी मिलती है, उसको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। कॉइंस, द स्टडी ऑफ द कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्टिक। जो कॉइंस है, सिक्कों से, पुराने सिक्कों से जो हमें जानकारी मिलती है, उसको हम न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। और पुराने टाइम में सिक्के में से मेटल, जो कि सोने, चांदी और लेदर, चमड़े के अक्सर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉन्यूमेंट्स, यानी कि बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मंदिर, किले, पैलेसेस, महल, बाकी के और सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जिससे हमें उस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, सांची स्तूपा, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भी पुरानी इमारतें हैं, पुराने स्मारक हैं, जिनको देखकर हमें हमारे पास्ट के बारे में नॉलेज प्राप्त होती है, उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली। थैंक यू।